फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही गाजर हलवा पराठा, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए मैंने 2 किलो गाजर लिया, जिसको धो के पील करके उसको ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम गाजर का हलवा बनाएंगे। उसके लिए 2 टेबलस्पून जितना घी लेंगे और उसमें धीरे धीरे ग्रेटेड कैरेट्स हम लोग डालेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। इसी तरह से हम धीरे धीरे सारी कैरेट्स डाल के उसको अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 कप जितना दूध डालेंगे। इससे उसकी जो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता या फिर पूरा दूध जल नहीं जाता। तो लगभग 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 टेबल स्पून और 1 कप शक्कर डालेंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो 3/4 कप डाल सकते हो। इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद इसमें दरदरे पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये 1/4 कप जितने हैं, और उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिलाते हुए हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारा डिलीशियस गाजर का हलवा तो तैयार हो चुका है। अब हम आटा प्रिपेयर करेंगे पराठे के लिए। हम 1 कप गेहूं का आटा और उसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून घी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। आटा इस तरह मुट्ठी में बन जाए तब हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। पानी डालते हुए इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है और ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब उसको घी से ग्रीस करते हुए 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इलायची को क्रश कर लिया है और यहाँ पर 1/4 कप जितने मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसको मैंने खड़ा काटा है। तो यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना देंगे। जिस साइज का आप पराठा बनाना चाहते हो उस हिसाब से बॉल्स बना सकते हो। और यहाँ पर मैं इसकी छोटी सी चपाती बनाऊंगी, बिकॉज मैं ये स्मॉल साइज में बना रही हूँ। और इसमें हम हमारा जो हलवा बनाया है शाही हलवा, तो उसको हम इसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से फिल करना है ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा उभर के आए। और अब हम इसको फोल्ड करते हुए इसको एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एकदम धीरे धीरे, अगर हलवा जैसे ज़्यादा है तो उसको अंगूठे से प्रेस करते हुए आप इसको फोल्ड कर दीजिए आटे को। मोमोज तो आपने देखे ही होंगे, मोमोज की तरह आप इसको पैक कर सकते हो। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसकी राउंड एक लोई बना दी है हमने। इसको हल्के से प्रेस करते हुए अब हम इसकी फिर से रोटी बनाएंगे। तो पहले इसको हल्के से प्रेस करना है और इस पर थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए घी डालेंगे और इसको एकदम हल्के हाथों से बेलते हुए इसकी एक रोटी बनाएंगे। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मीडियम साइज़ ही बनाना है। और इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हमने इसमें जो गाजर का हलवा है वो अच्छी क्वांटिटी में भरा हुआ है। ये देखिए, हमारा एकदम अच्छे से पराठा तैयार हो चुका है गाजर के हलवे का। इसकी थिकनेस आप देख लीजिए। तो इसी तरह से हम एक और पराठा तैयार करेंगे। तो हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए तवे पर मैं घी डालूंगी, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। और पराठा रखने के बाद उसके ऊपर भी हम उसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और हर 30 सेकेंड्स में मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको पलटते रहना है ताकि इसका जो क्रिस्पनेस है वो भी बरकरार रहे और बहुत ही टेस्टी लगता है वो। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे करके पलटिए और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से गर्म कीजिए। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अगर आपका हलवा साइड से बाहर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी टेस्टी। ये देखिए, हमारा पहला पराठा तैयार हो चुका है। तो ये सेम तरीके से आप दूसरा भी देख सकते हो। इसी तरह से शैलो फ्राई करते हुए हमें दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी करना है इसको। तो ये तैयार हो गया हमारा दूसरा पराठा भी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो।
बट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी। हल्का सा ठंडा करने के बाद इस पर हम मलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर क्रीम या रबड़ी भी डाल सकते हो। तो रबड़ी अगर बनाते हो तो इसको थोड़ा फीका ही रखिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब साथ ही इसके ऊपर जो हमने काली मिर्च और इलायची का पाउडर जो बनाया था, क्रश किया था, उसको डालेंगे। और उसके बाद इस पर डालेंगे हमारे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स, जिसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। आप चाहो तो इसको हल्का गर्म करके भी डाल सकते हो। और यहाँ पर बारी आती है हमारे घी की, बिकॉज कोई भी स्वीट घी के बिना तो अधूरी है। तो ये देखिए हमारा शाही गाजर हलवा पराठा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।